नमस्कार, मैं कुसुम राजावत। आज आपको एक ऐसी वनस्पति या जड़ी बूटी को ग्रो करने की बात कर रही हूँ जो बहुत ही स्पेशल है। गिलोय, जो कोरोना के लिए भी बहुत अच्छी है, आज मैं आपको बताती हूँ ये गिलोय के क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे उगाया जाता है। ये गिलोय की बेल है, ये गिलोय के पत्ते हैं और ये इसकी साइड की ब्रांच है। इस तरह से ये वृद्धि करती है। गिलोय को अमृता भी कहते हैं। अगर ये नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई हो तो इसे नीम गिलोय भी कहते हैं। ये गिलोय की डंडी है जिसको हमने गिलोय की बेल से तोड़ लिया है, ठीक है। अब हम इसको एक गमले में या मिट्टी के अंदर गाड़ते हैं। तो हम इसको गमले में गाड़ते हैं तो हम इसका काफ़ी सारा पार्ट, इतना पार्ट देखिए, ये हमने अमृता की बेल को, डंडी को इस तरह से गोल गोल करके इसमें हमने इसको गाड़ दिया। ये गाड़ दी गई है और अब हम इस पर मिट्टी डाल देंगे। बरसात हुई है इसलिए थोड़ी मिट्टी गीली है। हम इसमें इसको, ये पूरी मिट्टी में इसको हमने दबा दिया है, ज़्यादा गहरी नहीं दबानी है। और ऊपर से हम इसमें ये गोबर का भीगा हुआ पानी है जो मैं पौधों के लिए रखती हूँ ताकि इससे पौधों को बहुत फ़ायदा होता है। गीला गोबर जो है उससे दीमक लगने का खतरा रहता है और भीगी हुई खाद बहुत ही ह्यूमरस होती है, अच्छी होती है, गुणवत्तापूर्ण होती है, जिसको हम यूज़ करेंगे। ताज़ा गोबर से दीमक लगने का खतरा रहता है, इसलिए हम सूखे हुए गोबर को, जो पुराना गोबर होता है, उसको भिगो करके रखते हैं और उसको किसी भी पौधे में अगर हम देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। देखिए, छोटा सा नन्ना सा अमृता का पौधा ग्रो कर गया है। देखिए कितना छोटा है, कितना प्यारा सा पौधा है, ये देखिए कितना प्यारा पौधा है। इस तरह से धीरे 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 अमृता बड़ी हो जाएगी। कुछ ही महीनों में आपका पूरे घर के अंदर अमृता की बेल फैल जाएगी। देखिए, कुछ महीनों बाद में अमृता कितनी बड़ी हो गई, कितनी प्यारी हो गई है बेल, कितने छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं। कोरोना में अमृता बहुत ही लाभदायक है। इसके गुणों के बारे में आप अध्ययन करें और इसका क्वाथ बना करके पिए। धन्यवाद। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।